हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2 एंड टुडे आई विल टेल यू अ स्टोरी। टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द बिग कैरेट। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। एक ओल्ड मैन ने कैरेट मीन्स गाजर के सीड को प्लांटेड किया था। The carrot grew big and sweet. It grew very, very big. Students, carrot is very big in the size and very sweet in the taste. Carrot grew big, big and very, very big. He tried to pull out the carrot, but it did not come out. तो old man था, वो carrot को बाहर मीन्स प्लांट से निकालना तोड़ना चाहता था, बट इट डिड नॉट कम आउट, लेकिन कैरेट तो बाहर आया ही नहीं। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम, बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। ओल्ड मैन है वो लीव्स मीन्स पत्तों, जो कैरेट के पत्ते हैं उन्हें बाहर की तरफ खींच रहा है, और जो ओल्ड वुमेन है वो ओल्ड मैन को, देखिए इस पिक्चर में जो ओल्ड वुमेन है वो ओल्ड मैन को खींच रही है। मीन्स द ओल्ड मैन पुल द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल द ओल्ड मैन, बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। फिर भी वो दोनों ने मिलके भी कैरेट को बाहर की तरफ पुल आउट नहीं कर पाए। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर। तो ओल्ड वुमेन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राई बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। तीनों मिलके ट्राई कर रहे हैं, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड ग्रैंड डॉटर, बट दे ऑल आर कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ एंड द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। अभी ग्रैंड डॉटर ने अपने डॉग को बुलाया। अभी कितने हो गए? 4 लोग। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, the granddaughter and dog, but they failed to get the carrot out. Then the dog called the cat. Everyone pulled and the cat held on the dog's tail. The carrot did not move. अभी dog ने cat को बुलाया। Everyone pulled and केट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल। सब लोग एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं और कैरेट को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, बट केट ने डॉग की टेल मीन्स उसकी पूंछ को पकड़ के रखा है। फिर भी द कैरेट डिड नॉट मूव। द केट कॉल्ड द माउस। अभी केट ने माउस को बुलाया हेल्प के लिए। दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड कैरेट कम आउट। जबम, दे ऑल फेल डाउन। अभी सब लोग मिलके साथ में कैरेट को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, और ये क्या हुआ? कैरेट कम आउट, कैरेट बाहर आ गया। इतने सारे लोग कैरेट साथ में खींचेंगे तो सब लोग एक साथ गिर गए, और जोरों से आवाज़ आई, जबम, सारे गिर गए। दे ऑल फेल डाउन। अभी बताइए स्टूडेंट्स, इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? सबसे लास्ट में कौन आया था? माउस। तो माउस ने पता है क्या कहा इसके बाद? आई एम द स्ट्रांगेस्ट। सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट कौन है? अभी मैं हूँ, ऐसे बोल रहा था माउस। दे वर सो एक्साइटेड। ये सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप। फिर सब लोग किचन में गए, गाजर का हलवा बनाया और उसे खाया।
Students, here few questions related to story. Look at the picture and write. Picture को देखना है और question है उनके answer बताने हैं. How many are pulling the carrot out? कितने लोग हैं carrot को बाहर निकालने के लिए? Count करेंगे हम इनको. Six लोग हैं total carrot को बाहर निकालने के लिए. Then answer is 6. Who was the first one to pull it? सबसे पहले first one कौन था? Grandfather. Okay, the grandfather was the first one to pull it. Third वाला question है, the cat is dash in the line. Cat है, वो line में कौन से number पे है? चलिए count करते हैं. सबसे पहले grandfather, grandmother, granddaughter, dog, इसके बाद है cat. मीन्स कैट है वो फिफ्थ नंबर पे है. द कैट इज फिफ्थ इन द लाइन.